जयपुर में स्थित महाराणा प्रताप सभागार विद्याश्रम JLN मार्ग दैनिक भास्कर के सामने गीतकार हसरत जयपुरी की 24वीं पुण्यतिथि पर समा है। सुहाना सुहाना गीतों पर गानों से सजी शाम का मां सरस्वती के पूजन के साथ मंगलमय आगाज हुआ। राजीव अरोड़ा, सुमन माथुर, बसंत जैन, बैराठी, सभी उम्र के आयु वर्ग के लोगों एवं अन्य प्रबुद्ध गण्यमान्य नागरिकों के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। गायक एवं कार्यक्रम संयोजक लियाकत अली ने अपने साथी संगत कलाकारों से भी परिचय करवाया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राजीव अरोड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया। हसरत जयपुरी के बारे में भी चर्चा की गई, क्योंकि आज का यह विशेष कार्यक्रम उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया है। उनके साथ बिताए गए पल का वाकया भी बताया गया। लियाकत अली ने सुख के सब साथी दुख में ना कोई पहले गाने की प्रस्तुति से ही सभाकार में माहौल में एक अजीब सा समा बांध दिया। कार्यक्रम के इस कड़ी में जिन जिन गीतों और गानों की प्रस्तुति दी गई उनमें मुख्य रूप से यह गाने रहे। माने ना मेरा दिल दीवाना, जाने कहाँ गए वो दिन, झनक झनक बाजे पायलिया गाना भी, और इस गाने पर तीन बच्चियों द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुति भी दी। मुझे तुम मिल गए हो हमदम, बदन पर सितारे लपेटे हुए गाना भी, और नन्हे बच्चों द्वारा इस गाने पर नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। दिल एक मंदिर है, दुनिया वालों के दिल जल गए, मेरा रोम रोम मुस्काया, ए फूलों की रानी बहारों की, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तेरे दिल के पास ही है मेरी। समा है सुहाना सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, अंतिम गाने की प्रस्तुति पर तीन नन्हे नन्हे बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा देने वाले नृत्य प्रस्तुति दी। सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम के पश्चात प्रशस्ति पत्र दिए गए। सभी प्रशस्तियों ने ऐसा समा बांधा कि आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। दर्शक वंस मोर कहकर साथ में गा रहे थे, झूम रहे थे, और हर गाने की प्रस्तुति के बाद जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल को भी गुंजा रहे थे। सभी ने वाकई काफी आनंद लिया। कार्यक्रम शानदार रहा, बहुत अच्छे हैं उनका, ये समझो कि आपके 1999 17 सितंबर यानी आज ही के दिन इस दुनिया से जा चुके थे वो, और मेरे उनसे जो ताल्लुक थे वो बहुत नज़दीक थे। बहुत लंबा सफ़र मेरे साथ उनका गुजरा है, और यही कहा करते थे कि भाई मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उनको याद रखना है, और मेरी जो कोई नीति बनती है, कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उनके लिए आप जरूर जाइए काम। क्या बात, इस तरह से वो बोला करते थे। और मैं आपके लिए एक शेर उनका पहले सुनाना चाहता हूँ, जो उन्होंने पहली मरतबा 17 साल की उम्र के अंदर वो सुनाया था अपने नाना जान को, फिदा हुसैन जो उनके नाना थे और उनके शागिर्द थे, उनको ये शेर सुनाया था कि आसमान और सूरज और उसकी किरणों पर लिखा गया था कि हसरत हमारे दम से है, हसरत हमारे दम से है, ये सुर्ख ये शफक ये चर को खून रोएगा अगर हम नहीं रहे, ये चर को खून रोएगा अगर हम नहीं रहे। आज वो हम और आप उनको याद कर रहे हैं। वो इस तरह के इंसान थे, इतने अच्छे शायर थे। मैं आपको क्या बताऊँ, जयपुर के नाम को जयपुर दुनिया में कर दिया नाम, उनका असली नाम बहुत लोग मालूम है कि इकबाल अहमद, इकबाल अहमद, इकबाल अहमद, इकबाल हुसैन, इकबाल साहब पूरा शेर पढ़ो, पूरा शेर पढ़ो। बोलो बोलो, एक असल सामने से गजल पढ़ी थी राज कपूर साहब के सामने, उनको घर बुलाया गया था, घर बुलाया गया था उनको कि वहाँ पर जो है ये गजल लिखी और आपने पढ़ी, क्या सजा और मजा, सजा मजा, तो इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अब आगे क्या लिख रहे हैं सर साहब कि मेरे महबूब तेरे दस्ते हिनाई की कसम, जख्म सीने का मुझे रंगे हिना देता है, मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत, मैं
किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ, हसरत मेरा साथी मुझे आंखों से पिला देता, मेरा साथी मुझे आंखों से पिला देता। मौजूद था तो आपने सुना कि आप वहाँ पे चलो, तो पहली मरतबा जब बम्बई गए थे आप 18 साल की उम्र के अंदर सन 1940, तो वहाँ पर उन्होंने जाके देखा तो कविता लिखी और उन्होंने पढ़ के सुना दी। अब जाने के बाद में फिर राज कपूर साहब के चले गए, उन्होंने बुलाया कि भाई कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है, तो कहने लगे मेरा रहने वाला जयपुर का हूँ और नाम है हसरत जयपुरी, कहाँ ले लिखा बोला आओ मेरे पास आ जाओ। जब उन्होंने जाकर के वहाँ मैंने अपनी गज़ल पढ़ी है, वो वहाँ गज़ल सुनाई थी, उसके बाद में राज कपूर साहब ने ये कहा कि आप हमारे को एक सिचुएशन सुनाते हैं उस पर बोल लिख रहे हैं आपको, तो वो ये कहने लगे ठीक है। वहाँ पर शंकर जय किशन भाई मौजूद थे और हसरत साहब भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो है एक वो लिखी कि कमुआ का पेड़ है और गौरी मुंडेर है, आजा गौरी पालमा अब काय की देर है। इस सिचुएशन के ऊपर राज कपूर साहब ने ये कहा कि हसरत साहब इस पर आपको बोल लिखना है, बोला अभी लिख देता हूँ। आपने फौरन अपनी कलम निकाली और दो लाइन लिखी कि जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बाल मा तेरा इंतजार। राज कपूर साहब ने अमर होगा अमर होगा साहब, तो राज कपूर साहब ने ये कहा कि बोला भाई असर साहब ये लाइन बहुत अच्छी लगी है, आप इस लाइन को पूरी कर दो। इन्होंने गाना पूरा कर दिया तो हसरत साहब की कलम से निकला हुआ ये पहला गाना था बरसात फिल्म का। उसके बाद में हसरत साहब ने आगे गाने का ऑर्डर